वेलकम टू चैनल जनरल नॉलेज बाय अजय कुमार। आज हम क्लास 12 इंग्लिश पोएम नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो नाम पोएम नंबर 4 का नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसके लेखक हैं जॉन कीट्स। तो एमसीक्यू के फॉर्म में अगर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले आपको पोएट्स के बारे में आपको पूरा डिटेल से पता होना चाहिए, प्लस उसके बाद पोएम का आपको एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप बुक को रीडिंग कर लीजिए पोएट के बारे में और पोएम को, उसके बाद करेंगे तो और ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ ए पोएट वाज जॉन कीट्स। जो ए थिंग ऑफ ब्यूटी के जो पोएट है जॉन कीट्स, वो किस तरह के पोएट है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए रोमांटिक पोएट थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी। थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोएट है, पोएम है, उसके पोएट कौन है। तो आपको शुरू में ही बता दिया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट है जॉन कीट्स। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर हैज़ दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। कहाँ से ये पोएम थिंग ऑफ ब्यूटी को लिया गया है। तो देखिए, ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पोएट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एनसीईआरटी बुक में अबाउट पोएट के बारे में आपको करना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन आप कर पाएंगे। फिर भी नेक्स्ट ये चार पोएम ही आ रहा है इस साल 2021 में। तो इस वीडियो के बाद जो चार पोएट हैं उसके बारे में, उसका अबाउट पोएट के बारे में वीडियो, एक ही वीडियो में चारों पोएट के बारे में लाएंगे, ताकि आपको ये सब में और दिक्कत ना हो। तो ये जो क्वेश्चन है, तो फ्रॉम वेयर हैज़ दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी टेकन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्रॉम किट्स वर्क इन डाई म्यून ए पोएटिक रोमेंस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इंडाइम्यून। तो ये भी अबाउट पोएट से क्वेश्चन क्रिएट किया गया। तो इंडाइम्यून एक यंग सेफर्ड था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए यंग सेफर्ड। इंडाइम्यून ए यंग सेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड पोएट एंड इंडाइम्यून लिव्ड। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑन माउंट लैटमोस। पोएट एंड इंडाइम्यून लिव ऑन माउंट लैटमोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम डिड द इंचेंटेड यूथ रिजॉल्व टू सीक। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, चैंटिया द मून गॉडेस। ये भी अबाउट पोएट से क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम। क्या क्या थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन किया गया इस पोएम में। तो सन एंड मून, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स, फ्लावर, तो ये सब मेंशन किया गया है इस पोएम में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग्स काउज सफरिंग टू ह्यूमन बींग। कौन सा थिंग है जिसके कारण ह्यूमन बींग सफरिंग करता है या प्रॉब्लम होता है। तो ऑप्शन ए देख लीजिए, क्या लैक ऑफ वर्चुअल्स एंड इन ह्यूमन्स एक्ट, या फिर वितरिंग फ्लावर, या ब्लूमिंग फ्लावर, या फिर ब्लूमिंग स्ट्रीम। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा, लैक ऑफ वर्चुअल्स एंड इन ह्यूमन एक्ट्स। तो ऑप्शन ई इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंडाइम्यून डू टू सीक गॉडेस। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, वंडर्स थ्रू फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर क्यों है। जॉय फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय या खुशी का फीलिंग कराता है। थिंग ऑफ ब्यूटी मतलब कोई भी खूबसूरत चीज़ हमेशा खुशी का फीलिंग कराता है, तो वो कैसे।
तो ऑप्शन देखिए कि बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल, या फिर बिकॉज इट इज़ नेचर, या बिकॉज इट इज़ जॉयफुल, या बिकॉज इट ब्यूटी नेवर इंड्स एंड लीव्स ए लास्ट इम्पैक्ट, लास्टिंग इम्पैक्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होएगा, क्योंकि जो ब्यूटी हो वो कभी ख़त्म नहीं होता, लीव्स एट लास्ट इम्पैक्ट, लास्टिंग इम्पैक्ट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है इस पोएम से क्या मैसेज दिया गया। तो ब्यूटी नेवर फेड्स, या ब्यूटी लिफ्ट स्पिरिट्स हाई, या ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी कारण है, ये सभी मैसेज दिया गया है पोएम से कि ब्यूटी नेवर फेड्स, ब्यूटी कभी भी ढलता नहीं है, फिर ब्यूटी लिफ्ट स्पिरिट्स हाई, या फिर ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ब्यूटी हमेशा के लिए जॉय फॉर एवर क्यों होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमारे लिए क्या करता है। तो गिव होप्स, या गिव हैप्पीनेस, या रिमूव पेन एंड सफरिंग। तो ये सभी काम थिंग ऑफ ब्यूटी करता है, वो आशा, थिंग ऑफ ब्यूटी होप देता है, हैप्पीनेस देता है, और पेन और सफरिंग्स को रिमूव करता है। तो ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इंडलेस माउंट फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। इंडलेस फाउंटेन क्या है और उसका इफेक्ट क्या है। तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए इंडलेस फाउंटेन, ए थिंग ऑफ ब्यूटी वो इंडलेस फाउंटेन है, एंड इट गिव्स हैप्पीनेस, और वो हैप्पीनेस देता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर मीन। तो जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए खुशी का फीलिंग कराता है, जॉय फॉर एवर मीन, जॉय फॉर एवर, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इट विल कीप गिविंग हैप्पीनेस फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसका मतलब होता है कि वो हैप्पीनेस देता है लंबे समय के लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्यूटी इन कीट्स ओपिनियन। जो जॉन कीट्स है पोएट थिंग ऑफ ब्यूटी के, तो उसका ओपिनियन क्या है ब्यूटी को लेकर। तो उसका ओपिनियन है कि वो जो ब्यूटी है वो हमेशा हमेशा के लिए रहता है, तो ए जॉय फॉर एवर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटी इज किड्स ओपिनियन, ए जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट है, ए क्वालिटी विच ऑलवेज गिव हैप्पीनेस। तो ब्यूटी, ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है, एक क्वालिटी है जो हमेशा के लिए हम लोग को हैप्पीनेस देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। क्या आप एक्सपीरियंस किए हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो कम समय के लिए होता है। तो आंसर डी इसका करेक्ट है, नो, दे मेक्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। देखिए यहाँ जो ब्यूटी के बारे में बताया गया है, यहाँ नेचर्स का ब्यूटी के बारे में बताया गया है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता, वो लास्ट इम्प्रेशन ऑफ हैप्पीनेस रहता है, वो हमेशा के लिए रहता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा के लिए रहता है या जॉय फॉर एवर होता है, तो किसने कहा। तो जॉन कीट्स जो पोएट हैं थिंग ऑफ ब्यूटी के, तो उन्होंने ये कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड शेल्टर एंड कंफर्ट। जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो शेल्टर या घर प्रदान करता है और कंफर्ट प्रदान करता है, कैसे। तो बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जॉय और हैप्पीनेस देकर, बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग, जो पेन और सफरिंग है उसको रिमूव करके, या लाइक ए बॉर, बॉर मतलब जो ट्री, ट्री के अंदर जो सेडेड प्लेस होता है, जो जैसे धूप में अगर ट्री है तो सन रे को रोकता है, उसमें छाया होता है, तो उसी को सेडेड प्लेस को ही कहा जाता है बॉर। तो ये सभी प्राप्त, ये सभी देता है थिंग ऑफ ब्यूटी हम लोग के कंफर्ट के लिए। तो ये सभी हो जाएगा, बाय गिविंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, या बाय रिमूविंग पेन एंड सफरिंग लाइक ए बोअर। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज लवलीनेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग क्या होता है,
तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑफ ऑल ऑल ब्यूटीफुल थिंग, जो ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स है वो लवलीनेस होता है और वो हमेशा इंक्रीजिंग करता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फ्रेज विच मीन्स इट इज इमोर्टल, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बोअर, तो आपको इससे पहले बताएं कि जो सेडेड प्लेस होता है या सेडिट्री होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बोअर इज ए सेडिट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, हमें क्यों ज़रूरी है स्वीट ड्रीम्स हेल्थ और क्वाइट ब्रीथिंग, तो टू हैव ए हेल्दी माइंड एंड बॉडी, टू हैव ए साउंड स्लीप, टू हैव ए पीस एंड हैप्पीनेस, तो ये सभी हमारे लिए ज़रूरी है स्वीट ड्रीम्स हेल्थ और क्वाइट ब्रीथिंग के लिए, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर माइटी डेड इन द पोएम, क्या क्या माइटी डेड है इस पोएम में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ग्रेट रेस्पेक्ट वर्थी एंसेस्टर स्पेशली डेड एम्परर। तो ये सब जो क्वेश्चन है आपको पोएम को समझना होगा, तभी ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा और रटेंगे तो मे भी भूल सकते हैं, तो समझ के रटने से आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो पोएम को पहले आप समझ लीजिए, पोएट के बारे में जान लीजिए, उसके बाद MCQs करेंगे तो आपके लिए और बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, जो इमोर्टल ड्रिंक है वो इंडलेस फाउंटेन क्या है, तो इट ऑल थिंग ऑफ ब्यूटी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑल द थिंग्स ऑफ ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्रिंक मीन, व्हाट डज ए ब्रिंक मीन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, एन एज एट द टॉप, ब्रिंक मीन एन एज एट द टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इमोर्टल मीन, इमोर्टल मीन का मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग और एंडलेस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नेवर इमोर्टल का मतलब होता है नेवर एंडिंग और एंडलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू कन्वे दैट ब्यूटी इज ओवर लास्टिंग, क्या इमेज पोएट यूज़ करते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी को शो करने के लिए कि वो एवर लास्टिंग होता है, वो हमेशा के लिए होता है, तो क्या करते हैं कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि इंडलेस फाउंटेन ऑफ ए जॉय, इंडलेस फाउंटेन मतलब वो उसका कोई एंड नहीं होता, जैसे जॉय फॉर एवर, तो ऑप्शन डी सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडलेस फाउंटेन ऑफ ए जॉय, जो ब्यूटी को एवर लास्टिंग शो करने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इंडलेस फाउंटेन ऑफ ए जॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल ड्रिंक का क्या इफेक्ट है, तो ये हो जाएगा इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक द वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन स्टोरी मैग्निफिसेंस, एक स्टोरी मैग्निफिसेंस कौन सा पोएम में वर्ड है जिसको ये मतलब सेम मीनिंग है, तो स्टोरी मतलब टेल्स होता है और मैग्निफिसेंस मतलब ग्रैंडियर होता, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिमूव्स पेस फ्रॉम आवर लाइफ, तो नेचर्स ब्यूटी रिमूव्स पेस फ्रॉम आवर बॉडी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लूमी, ग्लूमी का क्या मीनिंग है, तो डल एंड डिप्रेसिव, द मीनिंग ऑफ ग्लूमी डल एंड डिप्रेसिव, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस व्हेन वी आर ग्रीफ स्टेज, ग्रीफ मतलब दुख या जो भी हो, जब हम लोग दुख में होते हैं तो उसको उससे बचने के लिए या फिर उससे बाहर आने के लिए क्या हेल्प करता है, तो वो क्या हेल्प करता है, बाय गिविंग ए रे ऑफ होप, जो आशा का एक किरण होता है वो
दुख से बाहर होने में हम लोग को मदद करता है, तो बाई गिविंग ए रे ऑफ होप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पोएट मीन बाई सम शेप ऑफ ब्यूटी। सम शेप ऑफ ब्यूटी से पोएट का क्या मीन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट डेट गिव हैप्पीनेस। तो ब्यूटी से क्या है कि जो भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट होता है वो हमें हैप्पीनेस प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द वर्ड सम शेप ऑफ ब्यूटी। तो सम शेप ऑफ ब्यूटी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर आवर स्प्रिट रिफर्ड एज ए डार्क। स्प्रिट्स, व्हाई आर आवर स्प्रिट, आवर स्प्रिट मतलब जो आत्मा होता है, तो हमारा स्प्रिट रिफर करता है डार्क, क्यों रिफर करता है डार्कनेस को, तो बिकॉज ऑफ सैडनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मोरो मीन। तो मोरो का मतलब क्या होता है, तो मोरो का मतलब द नेक्स्ट डे होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फ्लॉरी बैंड। फ्लॉरी बैंड हमें क्यों ज़रूरी है या क्या ज़रूरत है उसका, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टू हैव ए स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पिरिट ऑफ सैडनेस। तो सैडनेस से बचने के लिए या जॉय के लिए फ्लॉरी बैंड का ज़रूरत होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्लॉरी बैंड नीडेड टू हैव ए स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पिरिट ऑफ ऑल सैडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनह्यूमन इन लाइफ। इनह्यूमन क्या होता है लाइफ में, ह्यूमन मतलब इंसान होता है, इनह्यूमन मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ सेंट्रेड टेंडेंसी एंड इन एसिलिटी टू राइज अबव सैलो सर्कल। मतलब सेल्फ सेंट्रेड जो होता है, सेल्फ सेंट्रेड टेंडेंसी जो होता है, उसी को इनह्यूमन इन लाइफ बोला जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सर्कमस्टांस मेक्स मैन अनहैप्पी। क्या क्या परिस्थिति होता है जिससे मैन अनहैप्पी होता है, कौन सा टेंडेंस, तो क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस। तो जो अनहैप्पी इंसान कब होता है, जब कोई उसका कोई भी टेंडेंसी नहीं होता है कि होप का कोई टेंडेंसी नहीं होता, तब उस अनहैप्पी रहता है। अगर कितना भी प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी तरह रे ऑफ या फिर होप का अगर किसी भी तरह होप रहता है, तो इंसान अनहैप्पी तो रहता है, बट एक होप रहता है कि वो ठीक हो जाए। बट यहाँ तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, टेंडेंसी ऑफ होपलेसनेस। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का 40 MCQs को डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और पहली बार इस चैनल में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को हेल्प मिले। और हाँ, जो नेक्स्ट वीडियो में कोई स्टूडेंट कमेंट किया था कि PDF के लिए, तो PDF के लिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट्स करते रहिए, जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसको आप नोट्स करते रहिए वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।